हेलो फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस एक ही जैसा खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम बनाएं नॉट सो फेमस हरे कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी चटपटी सब्जी, जिसकी रेसिपी मुझे अभी अभी अपने नेटिव जाने पर पता चली। इसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिफरेंट लगा हमारी रेगुलर लौकी गोभी भिंडी के टेस्ट से। ये सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम हरे टमाटर, एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लेंगे, 3 हरी मिर्ची और 7-8 लहसुन की कलियों को नमक डालकर हम हाथ से कूट लेंगे। इससे अच्छा देसी टेस्ट आता है और नमक डालने से जल्दी बारीक पेस्ट बन जाता है। अब हम टमाटर को एक जैसे मीडियम साइज का कट कर लेंगे। हमारी सारी सब्जियों की कटिंग हो जाने के बाद एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच गर्म तेल होने रख देंगे। ये मसाले वाली सब्जी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल लगेगा इसमें। तेल अच्छा गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 2 चुटकी हींग, लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और इसे 30 सेकेंड के लिए चलाते हुए सेक लेंगे और फिर बारीक कटा प्याज डालेंगे। प्याज को हल्के ब्राउन होने तक 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें बारीक कटे हरे टमाटर डाल देंगे। इसके बाद हम 1/2 चम्मच नमक डालकर 10 मिनट के लिए इसे ढककर कुक करेंगे। हरे टमाटर की बात हो रही है तो एक बात बताऊँ, इस नाम की एक मूवी भी है हॉलीवुड की, फ्राइड ग्रीन टोमेटोज। एक बार हम सब्जी को चला देंगे और फिर से 10 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। इस तरह से टोटल 20 मिनट के बाद हम सब्जी को चेक करेंगे कि टमाटर अच्छे से पके हैं कि नहीं। टमाटर अच्छे से पक जाने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और फिर 30 सेकेंड के लिए सारे मसालों को चलाते हुए सेक लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच पिसा हुआ गुड़ और 1/4 चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए इसे ढककर कुक करेंगे और लास्ट में गार्निश करेंगे हरे धनिया से। लीजिए, हमारे हरे कच्चे टमाटर की चटपटी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इसे ट्राई करिए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।